लेखक है, जो साहित्यकार है, जो कवि है, जिस भी तरीके से रचनात्मक जो व्यक्ति है, चाहे वो पेंटर है कोई और, अगर वो अपने समय में जागता हुआ नहीं रहेगा तो फिर वो समाज के सोने का इंतजाम कर देगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द के माहौल से वाकिफ रहना चाहिए, उससे होने वाले बिल्कुल खतरों को भांपना चाहिए और यथासंभव योगदान उसको उन खतरों को टालने का करना चाहिए, चाहे वो लेखक हो चाहे वो पेंटर हो। तो मैं एक छोटा सा जो कलमकार हूं, कोशिश करता हूं लिखने की, मुझे लगता है कि केवल स्वांत सुखाय लिखने का भी कोई तात्पर्य नहीं रहता। वो एक जी पार्ट हो बिल्कुल सकता है, वो एक बहुत महती भूमिका उसकी हो सकती है, लेकिन जब आप कलम उठाते हैं, जब आप ब्रश उठाते हैं, कूंची उठाते हैं, तो जी आप समाज के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल जब सही तक आप उसमें सक्रिय नहीं रहेंगे, तब तक लेखनी का या आपकी रचनात्मकता का कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए कोशिश करता हूं कि बिना किसी भेदभाव के, जो मुझे जचता है, जो मुझे लगता है कि संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, उस पर चोट की जानी चाहिए। जी। इसी भाव से बस कोशिश है कि लिखता रहता हूं। आपकी कविता अगर सुन सके तो बुलडोजर बुलडोजर मैंने आज ही लिखी सर, और जी। मुझे लगा कि वो चलिए लिखना चाहिए उस पर, तो मैं कोशिश करता हूं कि ये सुना दूं कि जी जब चलता है बुलडोजर तो किसी मकान पर नहीं चलता, बहुत जब चलता जी है बुलडोजर तो किसी मकान पर नहीं चलता, ना ही चलता है किसी पूजा स्थल पर या इबादत गाह पर। जी बुलडोजर चलता है संविधान और अदालत पर, वो ध्वंस और निर्माण दोनों करता है। ध्वंस करता है कानून के राज की अवधारणा का, बिल्कुल बिल्कुल बुलडोजर सही ध्वंस करता है कानून के राज की अवधारणा का, लोकतंत्र में रहने के भ्रम का, उसके द्वारा जमींदोज किए गए भवन में पलने वाले निर्दोषों के जीवन और उनकी उम्मीदों का। वो घोषित करता है किसी व्यक्ति को संदिग्ध अपराधी और असंदिग्ध रूप से ध्वस्त करता है उसके निर्दोष साबित होने की सभी सामाजिक संभावनाएं। बहुत सही बुलडोजर निर्माण करता है झूठी छवियों का, बहुत अराजकता सुंदर के माहौल का। वो किसी एक को सजा नहीं देता, हाँ अदालतों को सजाने का सामान जरूर बना देता है। सही बुलडोजर सुंदर लोकतंत्र में सब कुछ करता है सिवाय लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा।